Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? आवाज़ आ रही है, बताइए audible हूँ मैं सभी को? audible हूँ मैं सभी को? बताइए, reply करिए, audible हूँ मैं सभी को? Good morning everyone. हाँ, okay, thank you नागिन जी, good morning. चलिए शुरू करते हैं. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से मुझे क्लास एंड करनी पड़ी. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. चलिए तो आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल शीतल, बिल्कुल ओके. तो टोटल 186 सेल्स होती हैं जो हाइपोडर्मिस बनाने के लिए या स्किन बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. स्किन बनाने में हेल्पफुल होती हैं किसके लिए? किसके केस में? सी एलिगेंस के केस में. ठीक है, तो ये आप लोगों को ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स में 3 को आपने रिमूव कर दिया और बाकी की 3 ने वल्वा का फॉर्मेशन कर लिया तो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा. टोटल 186 सेल्स होती हैं जो डिटरमाइंड होती हैं, जो स्किन सेल्स एज अ डिटरमाइंड होती हैं और वो स्किन का फॉर्मेशन करती हैं. ओके, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स के पास क्या होता है? वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं वो इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन के फिनोमेना को फॉलो करती हैं. जब आप इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के फिनोमेना को फॉलो करने वाली रिस्पॉन्डर सेल्स के पास 2 फेट्स होते हैं. एक उनका डिफॉल्ट फेट होता है और दूसरा उनका इंड्यूस्ड फेट होता है. तो अगर सिग्नल है इन प्रेजेंस ऑफ सिग्नल्स जो कि एंकर सेल से आते हैं, सी एलिगेंस में वल्वा के फॉर्मेशन के टाइम में एंकर सेल से LIN3 सिग्नल्स आते हैं. अगर सिग्नल्स हैं तो क्या होगा? वल्वा का फॉर्मेशन होगा. और अगर सिग्नल्स नहीं होंगे तो बाई डिफॉल्ट हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन होगा. ओके, क्लियर? चले, हाँ गौतमी बोलिए, अपना डाउट बोलिए. प्ले नहीं हो रहा अभी तक, क्लास तो शुरू हो गई है. गुड मॉर्निंग भास्कर जी, आप बहुत टाइम बाद आए. अपेक्षा, गुड मॉर्निंग. चलिए, गुड मॉर्निंग शालिनी जी. तो हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा. आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी के बारे में. स्टेम सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे. गौतमी, अगर एंकर सेल रिमूवल हो जाएगा तो सारी की सारी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हाइपोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कोई भी वल्वा का फॉर्मेशन नहीं करेंगी. इन एब्सेंस ऑफ सिग्नलिंग ऑल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स अचीव देयर डिफॉल्ट फेट, और उनका डिफॉल्ट फेट हाइपोडर्मिस. हमने पहले भी पढ़ाया था, कल भी बताया था कि हाइपोडर्मिस के लिए जो सिग्नलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, लेकिन जब एंकर सेल से सिग्नल्स आते हैं तो आरटीके सिग्नलिंग, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स में चलने वाली आरटीके सिग्नलिंग डोमिनेंट कर जाती है. किसके ऊपर? हाइपोडर्मिस की जो कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नलिंग है उससे ओवर रूल कर जाती है, उससे डोमिनेट कर जाती है, तो वल्वा बन जाता है. ओके, और अगर एंकर सेल रिमूवल हो जाएगा तो कोई भी फेट अचीव नहीं होगा, हाइपोडर्मिस बनेगा. टर्शरी फेट अचीव होगा, ना प्राइमरी फेट अचीव होगा, ना सेकेंडरी फेट अचीव होगा. क्लियर? तो LIN12 होगा, तो LIN12 का तो अच्छा. चलिए, नहीं, पैराक्राइन सिग्नलिंग गौतमी ये नहीं कह सकते हैं कि पैराक्राइन सिग्नलिंग जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग को इंड्यूस करें. ये कह सकते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, सेम सेल्स में कोऑर्डिनेशन है दोनों का एक एडजस्टमेंट है कि इस फेट के अचीवमेंट के लिए तुम आप रन करेंगे और इस तरीके का फेट दूसरा कोई रन ना करे तो उसके लिए दूसरी सिग्नलिंग जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग रन होगी. एक समन्वय है, एक एडजस्टमेंट है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को इंड्यूस नहीं कर रहे हैं. कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस होता है. ओके, बिल्कुल बिल्कुल. फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, वल्वा फॉर्मेशन, सब कुछ सी एलिगेंस का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है. चलिए, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि स्टेम सेल बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. अगर हमें किसी ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको हम
आफ्टर सेशन सॉल्व कराएंगे कि स्टेम सेल्स के बारे में जो हम लोग पढ़ लेंगे, उनकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, उनके कैपेसिटी टू डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेशन के लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए, अब अगर हमारे सामने कोई सेल रख दी जाए तो किस बेसिस पर हम पहचानेंगे कि वो सेल स्टेम सेल है, वो सेल स्टेम सेल है, किस बेसिस पे, कौन कौन से क्राइटेरिया है या हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेल स्टेम सेल। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड की। हमने पहले भी लेक्चर्स में बताया है, अगर कोई सेल अनडिफरेंशिएटेड है या अनस्पेसिफाइड है तो उनके पास क्या होती है, उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, प्रोलीफरेशन कैपेबिलिटी होती है, उनके पास क्या होती है, प्रोलीफरेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये सेल्स क्या कर सकती हैं, ये सेल्स कैपेबल होती हैं डिवाइड करने के लिए। हमने पहले भी बताया अगर कोई किसी भी सेल्स को अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को रीगेन करना है तो सबसे पहले वो अपने डिफरेंशिएशन का लॉस करती है, अपने डिफरेंशिएटेड फेट का लॉस करती है। जब वो डिडिफरेंशिएशन में जाती है तब वो अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। इसी तरीके से स्टेम सेल्स जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड होती है। अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेसिफाइड का मतलब ये इनके पास क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। ओके, हैव एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यू, हैव एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यू मतलब ये सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो अपनी ही जैसी सेल्स का, अपनी रेप्लिका का फॉर्मेशन कर पाती हैं, अपनी रेप्लिका का फॉर्मेशन कर पाती हैं, अपने डिवीजन को क्या कर, अपनी ही जैसी सेल्स का फॉर्मेशन कर पाती हैं। तो ये क्या होती है, इनके पास सेल्फ रिन्यूअल की कैपेबिलिटी भी होती है। ओके, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। फाइनली जो डॉटर सेल मिलती है स्टेम सेल्स में वो कहाँ जाती है, मैच्योरेशन में जाती है, और मैच्योरेशन के बाद वो पर्टिकुलर फेट में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम किसी भी स्टेम सेल्स को बता सकते हैं। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को पढ़िए। अ स्टेम सेल रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिक्रिएट इटसेल्फ व्हाइल आल्सो हैविंग द एबिलिटी टू जनरेट प्रोजेनी कैपेबल ऑफ स्पेशलाइजिंग इनटू अ मोर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। इसे अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेसिफाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट ड्यू टू दिस मेंटेनेंस ऑफ प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे मेंटेन द एबिलिटी टू जनरेट इफेक्टिवली अनलिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ डॉटर सेल्स। यही डॉटर सेल्स जो होती हैं, यही डॉटर सेल्स मैच्योरेशन में जाती हैं, देन उसके बाद पर्टिकुलर फेट में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, दैट कैन गो ऑन टू प्रोलीफरेट एंड डिफरेंशिएट। स्टेम सेल होल्ड ग्रेट पोटेंशियल टू नॉट ओनली स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म मॉडर्न मेडिसिंस। शीतल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेशन के लास्ट में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिएगा। यस, ओवर एक्सप्रेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन सेम चीज़ें होती हैं, ओवर एक्सप्रेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन सेम चीज़ होती है, ठीक है, सेम फिनोमेना होता है। क्योंकि मुक्ति जी सारी सेल्स अपनी स्टेम सेल्स कैपेबिलिटी को, क्योंकि हर सेल्स को डिफरेंशिएट भी होना है, किसी पर्टिकुलर फेट को बनाना है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को बनाना है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाना है, तो अगर सिर्फ स्टेम सेल्स की कैपेबिलिटी, अगर सिर्फ सेल्स डिवाइड ही होती रहेंगी तो क्या नहीं होगा, पर्टिकुलर फेट अचीव नहीं होगा। इसलिए एक टाइम पर उन्हें अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को लॉस करना पड़ता है, और वो कब होता है अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स को ह्यूमन डेवलपमेंट और मेडिसिन, ट्रांसफॉर्म मॉडर्न मेडिसिन में भी डिस्कस किया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया, अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेसिफाइड सेल क्यों बोलते हैं किसी भी स्टेम सेल को, और सेल्फ रिन्यू की कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैच्योर एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये क्लियर है।
तो फेट कैसे बनेगा, बिल्कुल अगर अनडिफ्रेंशिएट लूज कर देंगे तो फेट कैसे बनेगा। तो इसी वजह से डिवीजन की कैपेबिलिटी होना, स्टेम सेल्स के अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। लेकिन अब आगे आगे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके चलिए, सेल डिवीजन कैन अकर आइदर सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। स्टेम सेल्स एसिमेट्रिकली भी डिवाइड होती हैं और सिमेट्रिकली भी डिवाइड होती हैं। एसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकल डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है, अगर कोई स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है तो देखिए इस फिगर को देखिए। एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब जितनी बार स्टेम सेल डिवाइड होगी उतनी बार एक उसके ही जैसी स्टेम सेल बनेगी, बिल्कुल उसकी रेप्लिका, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। दूसरी सेल्स क्या बनेंगी, कमिटेड सेल होंगी जो किसी पर्टिकुलर, जो मैचुरेशन में जाएंगी और किसी पर्टिकुलर फेट में डिफरेंशिएट हो जाएंगी। तो जब भी स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड होती है, कोई भी स्टेम सेल अगर एसिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है तो वो डिवीजन के बाद दो तरीके की सेल्स बनाती है। एक सेल जो कमिटेड सेल होगी, डॉटर सेल जिसे बोलते हैं, जो कमिटेड होगी, डॉटर सेल होगी किसी पर्टिकुलर फेट के लिए कमिटेड होगी और ये मैचुरेशन में जाएगी और पर्टिकुलर फेट को अचीव कर लेगी। दूसरी सेल क्या होगी, दूसरी सेल बिल्कुल इसी स्टेम सेल का रेप्लिका होगी, तो ये इसकी सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी है एंड ये इसकी डिफरेंशिएशन या डॉटर सेल बनाने की प्रॉपर्टी है। अब ये जब नेक्स्ट टाइम डिवीजन होगा तो ये स्टेम सेल जब डिवाइड होगी तो ये स्टेम सेल क्या करेगी, फिर से अपनी ही एक रेप्लिका बनाएगी और दूसरी क्या बना लेगी, डॉटर सेल बनाएगी। तो ये क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है और नॉर्मली आपको मोस्टली स्टेम सेल इसी तरीके से डिवाइड होती दिखते हैं। एंड वंस यस वन कमिटेड सेल एंड वन सेल्फ रेप्लिका, बिल्कुल। चलिए गौथमी, हम क्वेश्चन के लास्ट में आपको लिंटवेल के बारे में बताएंगे, बात करेंगे उसके बारे में। सेल्फ रिन्यूअल एंड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल मैम। इन स्टेम सेल्स ऑल जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस एंड अचीव डिफरेंस ड्यू टू हाईली एस्टाइलेशन ऑफ जीनोम, इट्स माई डाउट। अभी बात करते हैं मुक्ति, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए अब एसिमेट्रिकल डिवीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एसिमेट्रिकल डिवीजन क्या होता है, अगर कोई भी स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड होगी तो इट कुड स्टेबलाइज द स्टेम सेल पूल एज वेल एज जनरेट अ डॉटर सेल दैट गोज ऑन द डिफरेंशिएट। दिस स्ट्रेटजी इन विच टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर स्टेम सेल्स एंड डेवलपमेंटली कमिटेड सेल्स आर प्रोड्यूस एट ईच डिवीजन इज कॉल्ड द सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्री। And this type of division is seen in many types of stem cells. Normally, stem cells में आप stem cells इसी तरीके से divide होती दिखती हैं। दूसरा, अगर हम symmetrical division की बात करें तो what is a symmetrical division? Symmetrical division में क्या होगा? Symmetrical division में भी stem cells divide होंगी, but वहाँ asymmetrical में दो अलग अलग type की cells बन रही थी, यहाँ पर दो एक जैसी cells बनेंगी। जब भी सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन होगा तो स्टेम सेल से बनने वाली सेल्स या तो दो स्टेम सेल्स होंगी या दोनों ही रेप्लिका होंगी उसी की, या अपने जैसी सेल्स बनाएगा, या फिर दो डेवलपमेंटली कमिटेड सेल्स होंगी। तो सिमेट्रिकल डिवीजन में क्या होता है, सिमेट्रिकल डिवीजन नॉर्मली तब देखा जाता है जब किसी भी स्टेम सेल्स का लॉस होता रहता है या कोई भी डिजीज की कंडीशन होती है, जैसे कैंसरस कंडीशन होती है। तो अगर डिजीज की कंडीशन हो रही है, मतलब डिजीज की कंडीशन का मतलब सिर्फ स्टेम सेल पूल बढ़ता जा रहा है, स्टेम सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसे स्टेम सेल्स बनानी, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर रही, तो स्टेम सेल पूल इंक्रीज होता जाएगा। और अगर स्टेम सेल पूल इंक्रीज होता जाएगा तो मतलब अगर एक बार में दो स्टेम सेल बन रही हैं तो स्टेम सेल पूल इंक्रीजेस बाय वन, और अगर स्टेम सेल पूल इंक्रीज होता जाएगा तो एक टाइम पर कैंसरस कंडीशन आती जाएगी, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा। और अगर सिर्फ कमिटेड सेल्स ही बनती जा रही हैं तो स्टेम सेल्स का लॉस होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मिलेनोसाइट पिगमेंटेड स्टेम सेल्स को देखें तो अगर सारी की सारी सेल्स डिफरेंशिएटेड या कमिटेड सेल्स में ही बनने लगी, स्टेम सेल का फॉर्मेशन अपनी रेप्लिका ना बनाकर सिर्फ डॉटर सेल्स बनने लगी, तो उससे क्या हो जाएगा,
मेलेनोसाइट पिगमेंटेड स्टेम सेल्स का लॉस होने लगेगा, इसीलिए बाल क्या होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, बाल के काले कलर के लिए ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये सारी की सारी स्टेम सेल्स डॉटर सेल्स में ही डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी तो हमारे पास स्टेम सेल्स नहीं बचेगा, और जब हमारे साथ पास रिजर्व में स्टेम सेल्स नहीं होंगी तो क्या होंगे, बाल सफ़ेद होने लगेंगे। ओके, तो स्टेम सेल्स बेसिकली सिमेट्रिकली तब डिवाइड होती हैं जब उन्हें स्टेम सेल पूल को बढ़ाना या घटाना होता है। अगर स्टेम सेल पूल को बढ़ाना है तो दोनों की दोनों सेल्स रेप्लिका बनेंगी, यानी कि स्टेम सेल पूल इंक्रीजेस बाय वन। एंड अगर दोनों स्टेम सेल्स पूल को डिक्रीज करना है तो उस केस में क्या बनेंगी, दोनों की दोनों कमिटेड सेल्स बनेंगी एंड दिस स्टेम सेल पूल डिक्रीजेस बाय वन। ओके, क्लियर। सिमेट्रिकल में एक साथ दो स्टेम सेल्स और दो कमिटेड सेल्स नहीं बन सकती हैं। बन सकती क्या, नहीं 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 नहीं, एक साथ नहीं, एक बार में अगर एक सेल कोई भी डिवाइड हो रही तो एक बार में दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सिमेट्रिकल डिवीजन के टाइम पर क्या होगा, दो स्टेम सेल्स बने, या तो दो स्टेम सेल्स बनेंगी सेम रेप्लिका बनेंगी या फिर दो कमिटेड डॉटर सेल्स बनेंगी। ओके ओके श्रद्धा जी, चलिए थैंक यू। स्टेम सेल्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्टेम सेल्स का लॉस होता रहेगा तो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रीजनरेट होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज रीजनरेट होते हैं, तो अगर स्टेम सेल्स का रिजर्व में नहीं रहेंगे हमारे पास तो क्या नहीं होगा, उन टिश्यूज का रीजनरेशन नहीं होगा। चलिए मुक्ति जी, अभी आगे समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर हम पोटेंसी के बेसिस पर स्टेम सेल को देखें, स्टेम सेल का पोटेंशियल देखें, अभी तो हमने सिर्फ डिवीजन की बात करी है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करी है, लेकिन अगर हम स्टेम सेल का पोटेंशियल देखें तो पोटेंसी के बेसिस पर भी स्टेम सेल्स कई डिवाइड होती हैं। अब इस पोटेंसी के बेसिस पर स्टेम सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी का मतलब होता है काम करने की एबिलिटी, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसे पोटेंसी कहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी पोटेंसी है। हाँ बिल्कुल राबिया, रीजनरेशन प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पोटेंसी इज द नंबर और अमाउंट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स दैट पर्टिकुलर स्टेम सेल्स टाइप कैन जनरेट। Means it is an intrinsic property and is greater than or equal to its fate. Cell potency is a cell's ability to differentiate into other cell types. Okay? तो कहने का मतलब ये है कि अगर cells में कुछ भी form करने की capability है तो वो उसकी potency है, और potency कभी कभी क्या हो जाती है, fate के equal हो जाती है, या कभी कभी potency फेट से ग्रेटर देन हो जाती है। तो जब आपकी काम करने की कैपेबिलिटी आपके डिसाइडेड गोल के इक्वल होती है तब वो कौन सा स्पेसिफिकेशन होता है, कौन सी कंडीशन होती है, कोई हमको बताएगा? यस, एक क्षमता या एबिलिटी। बताइए वीरपाल जी, पूल इंक्रीज और डिक्रीज होने का केस तब होता है जब हमने बताया सिमेट्रिकल डिवीजन रेयरली देखा जाता है, नॉर्मली आपको एसिमेट्रिकल डिवीजन ही मिलता है। सिमेट्रिकल डिवीजन का काम तब होता है, बेसिकली ये रेगुलेशन का फिनोमेना है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी टिश्यू की या किसी भी ऑर्गन के लिए जो स्टेम सेल्स हैं उनका पूल वो बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टेम सेल्स डॉटर सेल नहीं बना रही, कमिटेड सिर्फ स्टेम सेल अपनी ही रेप्लिका बनाती जा रही है, तो एक टाइम के बाद जब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बहुत सारी बन जाती हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन हो जाता है तो कैंसर या ट्यूमर की कंडीशन हो जाती है, तो वो नहीं होने देना है। तो उस केस में सेल्स डिवाइड होकर सिर्फ डॉटर सेल बनाने लगेंगी ताकि स्टेम सेल पूल डिक्रीज हो जाए। लेकिन अगर किसी भी स्टेम सेल का लॉस होता जा रहा है और आपकी लाइफ में उन सेल्स की और ज़रूरत है, एजिंग बेसिकली अगर स्टेम सेल पूल का लॉस होने लगता है ना तो एजिंग इफेक्ट होता है। तो अगर इसीलिए अगर हमने जो एग्जांपल दिया कि अगर मिलानोसाइट पिगमेंट की स्टेम सेल्स जो होंगी उनका लॉस होने लगता है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो जब सेल्स देखती हैं कि बहुत ज़्यादा सिर्फ कमिटेड सेल्स ही बन रही हैं,
हम रेप्लिका नहीं बन रही हैं, तब वो सेल्स क्या करती हैं, अपने पूल को बढ़ाना शुरू कर दी, तब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स को बनने को स्टॉप करके क्या करने लगती हैं, स्टेम सेल के पूल को इंक्रीज करने लगती हैं, सिर्फ अपनी रेप्लिका बनाने लगती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। बिल्कुल, पूल का मतलब पॉपुलेशन, यस, स्टेम सेल पॉपुलेशन, डोंट बी कंफ्यूज विद द पूल एंड पॉपुलेशन। पूल का मतलब स्टेम सेल, पूल का मतलब पॉपुलेशन, स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ाना। ओके, वेरी नाइस स्वप्निल, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑटोनॉमस, सभी ने आंसर दे दिया, अरे वाह, ठीक है, हाँ, वेरी नाइस। अगर पोटेंसी आपके फेट के इक्वल है तो ऑटोनॉमस की कंडीशन है, और अगर पोटेंसी ग्रेटर देन फेट है तो क्या है, कंडीशनल की, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो आपकी जब कैपेबिलिटी फेट के इक्वल होगी तब आप क्या होंगे, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होंगे, और अगर जब आपकी पोटेंसी ग्रेटर देन हो जाएगी आपके फेट के, तब क्या करने लगेंगे आप, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने फेट को अचीव करेंगे, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की कंडीशन होगी। खैर, तो पोटेंसी वाला पार्ट सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, व्हाट इज अ पोटेंसी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेसिकली, अगर सी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई सेल दी हुई है और उसकी पोटेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वो आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। अब देखिए, पोटेंसी इज डिस्क्राइब एज द जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल विद इन अ सेल। सेल के अंदर पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल विद इन अ सेल, क्योंकि सेल क्या होती है, पोटेंसी के बेसिस पर ही तो अपने फेट को अचीव करती है, विच बिगिंस विद। अब पोटेंसी के बेसिस पर स्टेम सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। यू मीन सिचुएशन पे डिपेंड होकर स्टेम सेल्स खुद पूल को इंक्रीज, यस, रेगुलेटेड वे में, हर सेल्स के पास एक रेगुलेशन का फिनोमेना होता है और वो अपने खुद को रेगुलेट करती हैं, लेकिन जब ये रेगुलेशन ख़त्म होता है, जब इस तरीके का रेगुलेशन नहीं हो पाता है, तभी डिजीज की कंडीशन आ जाती है। ओके स्वप्न, हाँ बिल्कुल राकेश जी, चलिए, तो पोटेंसी के बेसिस पर अगर हम स्टेम सेल के टाइप्स की बात करें तो हमें स्टेम सेल्स जो होती हैं वो चार टाइप की मिलती हैं। कौन कौन सी, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर हम पोटेंसी के बेसिस पर स्टेम सेल्स को डिवाइड करें तो हमें चार टाइप की स्टेम सेल्स मिलेंगी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, व्हाट इज प्लूरीपोटेंट, व्हाट इज मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंसी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। कहने का मतलब क्या है, टोटी का मतलब होता है टोटल, और अगर कोई स्टेम सेल्स टोटीपोटेंसी के फिनोमेना को फॉलो कर रही है, अगर कोई भी स्टेम सेल टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, तो वो क्या करेगी, वो कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, कोई भी सेल बना सकती है, एम्ब्रियो की भी सेल बना सकती है, और एम्ब्रियो को सपोर्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, उनका भी फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे अगर आप एक सिंगल सेल देखें, सिंगल सेल जाइगोट उठाएं, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, स्पोर्स एंड जाइगोट्स, जाइगोट्स क्या है, टोटीपोटेंसी का एग्जाम्पल है, ये जाइगोट है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, और ये जो साइड साइड में आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू है, एमनियॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एमनियॉन। तो एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हो गए और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हो गए, तो एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स का फॉर्मेशन, टोटीपोटेंसी एक कंप्लीट, अगर कोई भी सेल टोटीपोटेंट है तो वो बॉडी की किसी भी सेल का और बॉडी को सपोर्ट करने वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कर सकती है। क्लियर, टोटीपोटेंट समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल। टोटीपोटेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यस, हाइड्रा, हाइड्रा की सारी सेल्स, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन इन हाइड्रा में हम लोग ये पढ़ेंगे, हाइड्रा की सारी सेल्स टोटीपोटेंट होती हैं, वो बॉडी की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कैसे कर सकती है। क्लियर,
चलिए अब बात करते हैं प्लूरिपोटेंसी की। प्लूरिपोटेंसी क्या है? प्लूरिपोटेंसी बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। प्लूरिपोटेंट, अगर हम किसी भी सेल को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोल रहे हैं तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। अ स्टेम सेल्स दैट हैज अ पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ थ्री जर्म लेयर्स मींस किसी भी एम्ब्रियोनिक सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाती है? प्लूरिपोटेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारे एम्ब्रियोनिक लेयर्स यानी कि तीनों की तीनों जर्म लेयर्स, एंडोडर्म लेयर्स, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, तीनों की किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी जर्म लेयर से रिलेट कर रही हो। तो जितनी भी एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? प्लूरिपोटेंट नेचर की होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जब मैमल्स का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जब ब्लास्टोसील बनती है, जब कैविटी का फॉर्मेशन होता है, तो हमें वहाँ पर दो टाइप की सेल्स देखने लगती हैं। एक सेल्स जो आउटर सेल्स होती हैं, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये सेल्स किसी भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और दूसरी सेल्स जो हमें दिखती हैं वो इनर सेल मास की सेल्स होती हैं, जिन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और एम्ब्रियो की किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी जर्म लेयर से बिलोंग करती हो, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये उनका फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक, तो प्लूरिपोटेंट सेल्स जो होंगी वो एम्ब्रियो की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ओके, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लूरिपोटेंसी के बाद हम लोग मूव करते हैं मल्टीपोटेंसी पे। मल्टीपोटेंसी की क्या बात होती है खास? मल्टीपोटेंसी, अ स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू अ नंबर ऑफ सेल टाइप्स बट ओनली दोज आर क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स। क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेल मल्टीपोटेंट सेल है तो वो क्या है? सिर्फ अपनी क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। मतलब वो हर एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। सिर्फ वो किसी पर्टिकुलर सेल्स के लिए काम करेगी। जैसे अगर हम एग्जांपल उठाएं किसका? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का। तो इनसे क्या होगा? ये ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स हैं, तो इनसे सिर्फ क्या बनेंगे? लिम्फॉइड एंड माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगे। तो मल्टीपोटेंसी ये शो करती है कि सेल्स जो होंगी वो अपनी क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, इसके अलावा किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। यस, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। जैसे अगर आप इसको देखें, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स लिम्फॉइड सेल और प्रोजेनाइटर सेल, माइलॉइड और लिम्फॉइड में डिवाइड होती है। फिर माइलॉइड से क्या बनते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, आरबीसी। एंड लिम्फॉइड से क्या बनते हैं? नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, तो वो सिर्फ ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स हैं, उसी से रिलेटेड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, और कोई सेल नहीं बनाएगी। ना लिवर सेल बनाएगी, ना लंग सेल्स बनाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपोटेंसी होती है। या अगर जर्म लेयर्स के टर्म में अगर हम मल्टीपोटेंसी को समझें, तो अगर एंडोडर्म लेयर है तो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर उससे क्या नहीं होगा? अगर कोई भी एंडोडर्मल लेयर है तो अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर लेयर की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा? मल्टीपोटेंट नेचर होगा, कि एंडोडर्मल लेयर में जो भी सेल्स हैं वो सिर्फ एंडोडर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी, एक्टोडर्मल या मेसोडर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। अब यहीं से एक टर्म और मिलता है, यहीं से एक और आती है सेल्स, यूनिपोटेंसी, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स में क्या होता है? मल्टीपोटेंस तो कुछ सेल्स का फॉर्मेशन कर रही थी, यूनिपोटेंट अगर कोई स्टेम सेल है तो सिर्फ वो एक टाइप की सेल का फॉर्मेशन करेगी। मीन्स इट हैज द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वन सेल टाइप। फॉर एग्जाम्पल इसी पीछे वाले एग्जाम्पल में हम लोग जाते हैं और इसी को देखते हैं कि अगर ये तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं तो ये मल्टीपोटेंट नेचर है, लेकिन अगर हम इनमें से हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिवाइड होकर लिम्फॉइड और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल का फॉर्मेशन करें, अगर हम सिर्फ लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल की बात करें
तो लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल्स कैसी होंगी? यूनिपोटेंट होंगी। ये सिर्फ नेचुरल किलर सेल्स टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगी, कभी भी ये न्यूट्रोफिल बेसोफिल्स आरबीसी इओसिनोफिल्स इन सब का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। तो अगर हम लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल्स को देखें तो ये यूनिपोटेंसी शो कर रही हैं। या फिर अगर हम एग्जांपल देखें स्पर्मेटोगोनिया से सिर्फ क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से सिर्फ स्पर्म बनेंगे, सिर्फ एक टाइप की सेल बनेगी, तो ये भी यूनिपोटेंसी का एग्जांपल है। आया समझ में? स्वप्निल क्या पूछ रही है? यस मैम, टोटिपोटेंट टू यूनिपोटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाने की चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्वप्निल वहीं पर आ रहे हैं। यस, रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स या फिर डिटरमाइंड सेल भी बोल सकते हैं। नेहा 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 जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए देखिए, जब भी आप टोटिपोटेंसी से यूनिपोटेंसी की तरफ मूव करते हैं, जब भी आप टोटिपोटेंसी से प्लूरीपोटेंसी से मल्टीपोटेंसी से यूनिपोटेंसी, जब भी अगर कोई भी स्टेम सेल्स अपनी टोटिपोटेंसी से प्लूरीपोटेंट मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंसी की तरफ मूव करती है, क्योंकि हर स्टेम सेल्स की स्टेजेस होती हैं। स्टेम सेल का टोटिपोटेंट होती है, फिर उसके बाद प्लूरीपोटेंट होती है, फिर मल्टीपोटेंट होती है, फिर यूनिपोटेंट होती है। तो आप स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन की तरफ मूव करते हैं, आप स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन की तरफ मूव करते हैं। मल्टीपोटेंसी और यूनिपोटेंसी, अगर कोई भी सेल मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट है तो वो क्या है, वो अपने फेट के लिए डिटरमाइंड है। अगर कोई भी सेल मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट हो गई है तो वो डिटरमाइंड है। तो सेल्स टोटिपोटेंसी से प्लूरीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी से डिटरमाइंड हो जाती हैं। और हमने बताया, अगर कोई सेल्स किसी पर्टिकुलर फेट के लिए डिटरमाइंड हो गई है तो अब वो डिफरेंशिएट होगी, क्योंकि ये इरिवर्सिबल फेज होती है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, बोल सकते हैं आरबीसी को, बोल सकते हैं सूजा जी यूनिपोटेंट सेल्स इन देयर एंड हाईली डिटरमाइंड बस बट लेट लेस डिफरेंशिएटेड पोटेंशियल। ओके, गॉट इट। चलिए, तो आप मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट को डिटरमाइंड सेल भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इस फिगर को देखिए। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं, मल्टीपोटेंट, यहां पर एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल दिख रही है, तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड होगी, अपने ही जैसी एक सेल का फॉर्मेशन करेगी, ये रिन्यूअल होगा, सेल्फ रिन्यूअल होगा, और उसके बाद एक कमिटेड स्टेम सेल बनेगी। और ये कमिटेड स्टेम सेल ही क्या होगी, ये कमिटेड स्टेम सेल ही यूनिपोटेंट स्टेम सेल होगी। तो कमिटेड स्टेम सेल मल्टीपोटेंट से कहाँ पर, किस तरफ पहुँचेंगे, यूनिपोटेंट सेल की तरफ पहुँचेंगे। अगर कोई सेल कमिट हो गई है किसी पर्टिकुलर फेट के लिए तो वो किस में जाती है, ट्रांजिट एम्प्लीफाइंग स्टेज में। प्रोजेनाइटर सेल, इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं, जब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। तो अगर किसी भी सेल के आगे प्रोजेनाइटर सेल लगाए तो वो क्या होगी, वो उसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी लेस हो जाएगी, वो उसके डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब उसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट होने की, तो वो मल्टीपल राउंड। अब अगर कोई सेल प्रोजेनाइटर सेल हो गई, याद रखिएगा अगर किसी भी सेल के आगे प्रोजेनाइटर वर्ड लग गया है तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मल्टीपल राउंड डिवाइड
नहीं कर पाएगी, उसकी डिवीजन की कैपेबिलिटी जो होगी वो लेस हो जाएगी, और कौन सी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिफ्रेंशिएटेड की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो अब पर्टिकुलर फेट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तो जब भी कोई सेल मल्टीपोटेंट से यूनिपोटेंट में जाती है तो यूनिपोटेंट सेल जो होगी वो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी, यूनिपोटेंट सेल जो होगी अब उसके पास डिवीजन की, क्योंकि स्टेम सेल है तो बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगी, जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है उसका लॉस होने लगेगा और डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटी इंक्रीज करने लगेगी। तो अगर कोई सेल के आगे प्रोजेनाइटर सेल लगा है तो आप समझ जाइएगा कि प्रोजेनाइटर सेल्स अगर हैं तो इट कैन नॉट प्रोलीफरेट मल्टीपल टाइम्स। यूनिपोटेंट, आशीष जी यूनिपोटेंट, उन तीनों सेल टाइप्स के अलावा वो किसी भी सेल का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। तो लिम्फॉइड को अगर सिर्फ कंसीडर करेंगे तो यूनिपोटेंट कंसीडर करेंगे। वन सेल्स को डिटरमाइन करना, यस परवीन जी, हाँ बिल्कुल, फेट अचीविंग एबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टोटिपोटेंसी टू यूनिपोटेंसी, ट्रांजिशन स्टेज होती है, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेम सेल का टाइप की अगर हम बात करें तो हमें दो टाइप की स्टेम सेल्स देखने को ज़्यादा मिलती हैं एम्ब्रियो की कंडीशन में। टोटिपोटेंट तो तब रहती है जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जब जाइगोट बनता है, लेकिन फिर क्या होती है, सेल्स, सारी सेल्स टोटिपोटेंट तो नहीं हो सकती हैं, तो ज़्यादातर सेल्स हमें दो टाइप की सेल्स जो देखने को मिलती हैं एम्ब्रियो में वो कौन सी होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू स्टेम सेल्स have the potential to differentiate into almost any cell of the embryo, including muscle cells, blood, heart and nerve cells, and they are primarily involved in growth and development. Embryonic stem cells are in pluripotent in nature. Pluripotent cells को ही embryonic stem cells कहते हैं, अभी हमने आगे बताया। तो ये true stem cells होती हैं और ये normally growth और development में involved होती हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किस नेचर की होती है, प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल्स को बोलें ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस अ लिमिटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू। दीज सेल्स प्ले अ वाइटल रोल इन टिश्यू रिपेयर ड्यू टू द इंजरी और डिजीज एडल्ट स्टेम सेल्स कैसी होती हैं, ये मल्टीपोटेंट नेचर की होती हैं। अगर कोई सेल एडल्ट स्टेम सेल है तो वो क्या है, मल्टीपोटेंट नेचर की है। तो ये मल्टीपोटेंट नेचर कैसे समझ में आया हमको, क्योंकि ये टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स होती है ना, पर्टिकुलर टिश्यू से बिलोंग कर रही हैं, तो ये कैसी होंगी, मल्टीपोटेंट नेचर होंगी, मतलब अपनी क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी सिर्फ। इसीलिए जिस पर्टिकुलर टिश्यू में इंजरी होगी या किसी भी तरह की डिजीज होगी उसके रीजनरेशन में या उसके रिपेयर में ये सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तब ये सेल्स डिवाइड होंगी मल्टीपोटेंट सेल्स और अपने जैसी एक सेल्स और एक कमिटेड सेल बनाएंगी। ओके, तो एडल्ट स्टेम सेल्स किस में आती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की फैमिली में आती है। आया समझ में, एज वी गो डाउन द स्टेम सेल लाइन सेल्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन पोटेंसी एंड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल बट हाईली डिटरमाइंड मैम, यस बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपोटेंट नेचर। सो अपने टिश्यू स्पेसिफिक की बात हो रही है तो मल्टीपोटेंट कंसीडर करेंगे, यूनिपोटेंट कंसीडर नहीं करेंगे, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट बोथ यस, एडल्ट स्टेम सेल्स बोथ। चलिए अब स्टेम सेल निश के बारे में बात करते हैं। निश, आप लोगों ने निश पढ़ा होगा, किसी भी इकोलॉजी में ये टर्म पढ़ा होगा, किसी भी एनिमल का एक्टिविटी स्पेस जो होता है वो उसकी निश होता है। हालांकि डिवाइड होती है निश, फंडामेंटल निश और रियलाइज निश में डिवाइड होती है, तो वो उसकी बात छोड़िए। निश जो आपका, जो किसी भी एनिमल का फंक्शनल एरिया होता है, तो अगर हम स्टेम सेल की निश के बारे में देखें, जैसे अगर आपकी निश के बारे में देखें तो आपकी निश क्या है, आपका घर है जहाँ पर आप रेगुलेट होते हैं, वहाँ के मम्मी पापा आपको क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, जैसे भी आप कोई शैतानी करते हैं तो वैसे ही आपकी पिटाई कर दी जाती है, तो ये आप क्या होते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम वो शैतानी नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, रेगुलेशन होता है कि किसी भी
कोई भी ना शैतानी बहुत ज़्यादा करिए, ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा करिए, ना बहुत ज़्यादा सोइए, हर चीज़ एक रेगुलेटेड वे में करवाने के लिए कौन रहता है? मम्मी पापा रहते हैं। तो वो आपकी निश है जहाँ पर आप रेगुलेटेड वे में फंक्शन करते हैं। यस, एक्टिविटी स्पेस भी बोलते हैं इसको। तो अगर हम स्टेम सेल निश के बारे में बात करें, तो स्टेम सेल निश क्या होती है? स्टेम सेल रेगुलेशन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रो एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द स्टेम सेल्स एंड इज नोन एज स्टेम सेल निश। स्टेम सेल निश, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आया हुआ है। अरे समझ में नहीं आया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टेम सेल से निश क्वेश्चन आया और समझ में नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस इन द एम्ब्रियो दैट अलाउज द कंट्रोल। अभी इस सेशन के लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें स्टेम सेल निश के लिए आप जो बोल रही हैं, स्टेम सेल निश के बारे में वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके हाँ शीतल बिल्कुल। तो देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस इन द एम्ब्रियो दैट अलाउज द कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स विद इन द निश एंड द कंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल प्रोजेनी दैट लीव द निश। तो स्टेम सेल्स जब तक अपनी निश में रहेंगी, उनके प्रोलीफरेशन को कंट्रोल करने का काम, स्टेम सेल्स निश का बेसिकली काम ये होता है, सेल डिवीजन टू डिफरेंशिएशन के रेशियो को मेंटेन रखना, ये निश का काम होता है। इसीलिए निश क्या इन्वॉल्व होती है? स्टेम सेल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। सेल डिवीजन टू डिफरेंशिएशन का रेशियो मेंटेन रखने का काम स्टेम सेल निश का होता है। तो ये क्या करती है, जब तक स्टेम सेल्स निश में रहती हैं, उनका कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन मेंटेन करने का काम किसका होता है, उनके प्रोलीफरेशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, निश का होता है। और जो सेल्स या जो सेल प्रयोजनी, बेसिकली जो कमिटेड सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, निश को छोड़ देती हैं और तब वो क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो निश का काम क्या होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस इन द एम्ब्रियो दैट अलाउज द कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स विद इन द निश एंड द कंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल प्रोजेनी दैट लीव द निश, दैट लीव द निश। ओके, अब इस स्टेम सेल को कब तक सेल्स निश में रहती हैं और कब निश को लीव करती हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टेम सेल निश रेगुलेट द स्टेम सेल प्रोलीफरेशन एंड डिफरेंशिएशन बाय पैराक्राइन फैक्टर्स एंड दैट आर प्रोड्यूस बाय द निश सेल्स। तो निश की जो सेल्स होंगी वो बाय द प्रोडक्शन ऑफ पैराक्राइन फैक्टर्स, बाय द प्रोडक्शन ऑफ पैराक्राइन फैक्टर्स क्या करेंगी, स्टेम सेल्स को पकड़ के रखने का काम करेंगी, निश में रखने का काम कौन करेंगे, ये पैराक्राइन फैक्टर्स, ये सेल एडिशन फैक्टर्स, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स लाइक फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, कोलेजन 4, एंडोक्राइन सिग्नलिंग एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारे ही क्या करेंगे, निश में स्टेम सेल्स को रेगुलेट करने का, स्टेम सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का काम करेंगे, इसका डिवीजन जो हो वो रेगुलेटेड वे में हो। तो अगर स्टेम सेल एक्टिविटी की बात करें, स्टेम सेल एक्टिविटी इन द निश, स्टेम सेल, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, स्टेम सेल एक्टिविटी इन द निश ऑफ एनिमल्स इज रेगुलेटेड बाय द चेंजेस इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट लिंक्स द स्टेम सेल्स टू इट्स निश। निश से अटैच कराने का काम कौन करता है, ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल करते हैं। ओके क्लियर, और यही क्या करते हैं, इनकी डिवीजन और डिफरेंशिएशन के रेशियो को मेंटेन करने का काम करता है। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए और इसको नोट भी कर लीजिए, द स्टेम सेल निश इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर फिनोटाइप दैट रेगुलेट द रेशियो ऑफ सेल डिवीजन टू डिफरेंशिएशन, सो द मेंटेनेंस ऑफ सच निश इज क्रिटिकल फॉर आवर हेल्थ। अगर डिवीजन ज़्यादा होने लगेगा तो कैंसर की कंडीशन हो जाएगी, और अगर डिफरेंशिएशन ज़्यादा होने लगेगा तो स्टेम सेल्स का लॉस होने लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए स्टेम सेल्स के रेगुलेशन के लिए कौन काम करता है, स्टेम सेल निश काम करती है एंड इज अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ सेल डिवीजन टू डिफरेंशिएशन। क्लियर,
अगर आप जो अधेशन मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेम सेल्स को उसकी निश से बाइंड कराने में हेल्प करते हैं, अगर इन अधेशन मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ अधेशन मॉलिक्यूल्स लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टेम सेल्स और इट्स प्रोजनी अवे फ्रॉम द क्विसेंट प्रोमोटिंग सेल्स. क्विसेंट का मतलब जो पैराग्राइन फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो उनको डिफरेंशिएशन सिग्नल है वो मिलने लगेंगे, है ना, उनको डिफरेंशिएशन सिग्नल मिलने लगेंगे. तो अगर लॉस ऑफ अधेशन हो जाए, लॉस ऑफ अधेशन मॉलिक्यूल्स लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टेम सेल्स और इट्स प्रोजनी अवे फ्रॉम द निश. ओके बसपति, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा. तो ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जो काम करते हैं किसमें, स्टेम सेल्स को निश में रखने में काम करते हैं. लेकिन जैसे ही इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, वैसे ही क्या होता है, स्टेम सेल्स जो होती हैं, जो प्रोजनी होती हैं, वो क्या कर देती हैं, स्टेम सेल्स को छोड़ देती हैं, निश को छोड़ देती हैं, सॉरी निश को छोड़ देती हैं, और क्या हो जाती हैं, पर्टिकुलर फेट में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. नहीं नहीं अगर स्टेम सेल्स अपने निश से बाहर आ जाएंगी तो वो पर्टिकुलर फेट में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, पर्टिकुलर फेट में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, डीजनरेट नहीं होंगी. अब इसकी बात करते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की. आजकल इन पर बहुत काम चल रहा है, बहुत रिसर्च चल रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए 2006 में जो थी काजुतोशी ताकाशी एंड शिन्या यमनका ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बाय इंसर्टिंग एक्टिवेटेड कॉपीज ऑफ फोर जीन्स इनकोडेड सम ऑफ दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नियरली एनी सेल इन एडल्ट माउस बॉडी कुड बी मेड इनटू एन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स विद द प्लूरिपोटेंसी ऑफ एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. कहने का मतलब ये है कि यमनका ने किस पर काम किया था, इन लोगों ने उन सेल्स पर काम किया जो अपनी प्लूरिपोटेंसी की स्टेज से आगे निकल चुकी थी, मतलब मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट स्टेज पर पहुंच चुकी थी. इन सेल्स को इन्होंने कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या क्या कुछ ऐसे जीन्स इन सेल्स में एक्सप्रेस कराए कि ये सेल्स वापस से अपनी प्लूरिपोटेंसी को रीगेन कर ले रही थी. मतलब जो सेल्स किसी पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सेल्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं या किसी पर्टिकुलर फेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, वो वापस से ऐसी सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं जो तीनों जर्म लेयर्स में से किसी भी जर्म लेयर की सेल का फॉर्मेशन कर सकती है. तो ये फैक्टर्स कौन कौन से थे जो स्पेसिफाइड, जो पर्टिकुलर डिटरमाइंड सेल में क्या कर रहे थे, प्लूरिपोटेंसी को रीगेन कराने का काम कर रहे थे. तो जब प्लूरिपोटेंसी मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट सेल में, मतलब प्लूरिपोटेंट स्टेज से आगे निकल चुकी स्टेम सेल्स में अगर प्लूरिपोटेंसी रीगेन होती है, तो इस टाइप की प्लूरिपोटेंट सेल्स को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं. कौन सी सेल्स कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं. तो यहाँ पर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स IPSC का मतलब यही है कि वो सेल्स जो प्लूरिपोटेंट की स्टेज को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी थी, उनमें वापस से प्लूरिपोटेंसी का रीगेन होना, मेंटेन होना क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहलाता है. नो गौतमी, स्टेम सेल्स डीजनरेट नहीं होंगी अपनी निश से निकलने के बाद. स्टेम सेल्स अपनी निश से निकलने के बाद जिस फेट के लिए, जो डॉटर सेल्स होती हैं वो बेसिकली निश को छोड़ती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर फेट में डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है. तो स्टेम सेल निश से निकलने के बाद वो क्या करती हैं, जैसे आप जब तक घर में रहते हैं, जब तक आप बच्चे रहते हैं तब तक आप घर में रहते हैं, लेकिन जब आपको कुछ करना होता है, करियर बनाना होता है, तो आप घर से बाहर निकलते हैं. तो आप अपना निश आपको छोड़ना पड़ता है ना, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ताकि आप किसी पर्टिकुलर फेट को अचीव कर पाए. उसी तरीके से सेल्स भी अपनी निश को छोड़ती हैं तब वो किसी फेट में डिफरेंशिएटेड होती हैं. और बेसिकली जो प्रोजिनी सेल्स होती हैं, जो कमिटेड सेल या डॉटर सेल्स होती हैं, वो निश को लीव करके पर्टिकुलर फेट में डिफरेंशिएट होती हैं, मैचुरेशन में जाती हैं. ओके यस, बिल्कुल महिमा, बिल्कुल, यमनका गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस. चलिए, तो इन्हें इसीलिए इनको यमनका फैक्टर बोला गया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. यमनका फैक्टर क्यों बोला गया,
क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट टाइप की सेल्स थी, जो डिटरमाइंड सेल्स थी, उनमें प्लूरीपोटेंसी को रीगेन कराया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लूरीपोटेंसी को रीगेन कराया। अब वो कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो इस प्लूरीपोटेंसी को रीगेन कराने में काम कर रहे थे? SOX2 and OCT4 ये क्या कर रहे थे, इट्स विच एक्टिवेटेड नैनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एस्टैब्लिश प्लूरीपोटेंसी एंड ब्लॉक्ड डिफरेंशिएशन। मतलब अगर यूनिपोटेंट सेल है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंशिएट होगी, तो उसके डिफरेंशिएशन को ब्लॉक करके फिर से उसमें प्लूरीपोटेंसी मेंटेन कराने का काम कौन कर रहा था? SOX2 और OCT4 बाय द एक्टिवेशन ऑफ नैनोग। CMIC इट इज ऑल्सो अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। CMIC विच ओपेंड अप क्रोमेटिन एंड मेड द जीन्स एसेसिबल टू SOX2, OCT4 एंड नैनोग। CMIC क्या काम करते हैं? CMIC, जैसे जब सेल्स यूनिपोटेंट हो गई हैं, जब सेल डिफरेंशिएट होने वाली होती है, तो हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई सेल डिफरेंशिएट है, डिटरमाइंड है, तो उसमें पर्टिकुलर कंप्लीट जीन में से कोई एक जीन का पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट होगा जहां पर क्या होगी, जहां पर हेड प्रोटीन बाइंड करेंगी, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग होगी और जीन का वही पार्ट एक्सप्रेस होगा। लेकिन अब प्लूरीपोटेंसी को रीगेन कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए CMIC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, क्रोमेटिन को ओपन अप करता है और उसे क्या बनाता है, SOX2, OCT4 और नैनो के लिए एक्सेसिबल बनाता है, ताकि ये सेल्स क्या कर सके, अपनी प्लूरीपोटेंसी को अचीव कर सके। KLF4 विच प्रिवेंट सेल डेथ, ये एपोप्टोसिस नहीं होने देता। तो ये सारे ही फैक्टर्स क्या करेंगे, आपको प्लूरीपोटेंसी को रीगेन कराने में काम करेंगे। सो लीव देयर नीड्स टू अचीव देयर फेट, यस इट्स ट्रू स्वप्निल, बिल्कुल ठीक है। नैनो इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच एस्टैब्लिश प्लूरीपोटेंसी इन द सेल, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बिल्कुल शूजा जी। चलिए तो ये हमने बात कर ली किसकी, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि इस सेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिला है, ये देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जून 2012 में पूछा गया। स्टेम सेल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर देयर रीजनरेटिव प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल लीनेज। यहां पर स्टेम सेल की रीजनरेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो रही है, याद रखिएगा। अ पर्सन विद अ डैमेज लीवर अप्रोचेस अ स्टेम सेल थेरेपिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी वुड बी सेफेस्ट, कौन सी थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी सेफेस्ट होगी? ट्रांसप्लांटिंग एडल्ट लीवर सेल्स फ्रॉम अ हेल्दी डोनर एंड ग्राफ्टिंग देम इन टू द पेशेंट, पहला ऑप्शन। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल्स फ्रॉम पेशेंट्स इन टू इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड यूजिंग देम फॉर फर्दर डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ्टिंग इन लीवर। इंजेक्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन टू द डैमेज लीवर, इंजेक्टिंग कॉर्ड ब्लड सेल्स इन टू द लिवर डायरेक्टली। ट्रांसप्लांटिंग अगर आप डोनर सेल से लेते हैं तो आपके सेफ्टी के चांसेस 50-50 होते हैं, है ना। कभी भी अगर एडल्ट लीवर सेल्स को आप किसी डोनर से ले रहे हैं और उसको पेशेंट्स में लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये वर्क करे। तो पहला ऑप्शन सेफ्टी के पर्पज से नहीं हो सकता, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। और इससे हमें स्टेम सेल की रीजनरेटिव प्रॉपर्टी का भी पता नहीं चल रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल्स, जो सेल्स स्किन बनाने के लिए, हाइपोडर्मिस बनाने के लिए कमिटेड हैं या यूनिपोटेंट सेल्स हैं फ्रॉम पेशेंट्स इनटू आईपीएस, उनको आप क्या करो, उनमें आप इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, यमनका फैक्टर्स डालो, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डालो जो इनकी प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करे, और फिर इनको क्या करो, ग्राफ्ट कर दो लिवर में, और क्या होने लगेगी, सेल्स क्या बनाने लगेंगे, लिवर सेल्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, सभी ने सही आंसर दिया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रेटजी एंड इट शोज रीजनरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल। ओके, बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, है ना, इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को भी अगर तुम लिवर में डाल दोगे तब भी ये सेफ्टी पर्पज से सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेम सेल्स. स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है? All type of stem cells have the ability to give rise to a complete embryo. बताइए पहली जो स्टेटमेंट दी हुई है क्या वो करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है क्या वो करेक्ट है? बताइए, आंसर करिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? ए इज फॉल्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस बसवती नागिन. पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हर सेल्स के पास ऑल टाइप्स, इन्होंने बोला है ना, ऑल टाइप्स में आपकी टोटीपोटेंट सेल भी आती है, प्लूरीपोटेंट भी आती है, मल्टीपोटेंट भी आती है और यूनिपोटेंट भी आती है. तो हर टाइप की स्टेम सेल्स कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं दे सकती, सिर्फ टोटीपोटेंट स्टेम सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है. तो ए इज अ इनकरेक्ट. बी क्या है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज हु कमिटमेंट इज लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स. बी इज करेक्ट गौथमी, वेरी गुड. बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. सी बताइए, स्टेम सेल निश अलाउ कंट्रोल्ड सेल्फ प्रोलिफरेशन, कंट्रोल्ड सेल्फ रिन्यूअल, सॉरी, एंड ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ द सेल्स दैट लीव द निश. बताइए सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ट्रू है या नहीं? हाँ स्वप्निल, वेरी गुड. स्वप्निल ने आंसर भी दे दिया, स्वप्निल ने आंसर दे दिया. एम एस शाह जी ने ऑप्शन दे दिया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, सेल स्टेम सेल निश अलाउ कंट्रोल सेल्फ रिन्यूअल, बट सर्वाइवल ऑफ द स्टेम सेल्स, जो प्रोजेनी जो छोड़ रही है निश को, उनके सर्वाइवल के लिए स्टेम सेल निश काम नहीं करती है, है ना? तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करने का काम FGF8 नैनो और TGF-beta का नहीं होता है, नैनो का तो होता है. Adult stem cells may be reprogrammed to gain pluripotency by modifying the following genes, OCT3 or 4. अभी हम लोगों ने पढ़ा SOX2, CMEK, KLF4. ये सारे ही क्या करेंगे? Pluripotency को reprogram कराएंगे, regain कराएंगे. तो B and E, यानी कि second option is correct. Clear? Thank you so much. That is all for today. कल मिलेंगे नए lectures के साथ. आप लोग बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा. आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम लोग इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.